Hey guys, welcome to Thailand Pattaya City on behalf of our Indian community Pattaya. And in this vlog, we are going to present 2022 Ganesh Chaturthi Festival. So Pattaya में जो Indian community रहती है और Indian community जहाँ पर भी रहती है वो सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर सारे festival yearly मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, राखी हो या गणेश जी हो या नवरात्रा. ये सभी जो festivals हैं Indian festival, वो Thailand में भी उसी custom और culture के through Indian community Pattaya की celebrate करती है together. So 2022 का गणेश चतुर्थी की स्थापना से लेके विसर्जन का जो पूरा फेस्टिवल है, जो पटाया के लोगों ने, जो इंडियन पीपल वहाँ पर एज ए रेजिडेंशियल रहते हैं, उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, उसकी कुछ झलकियाँ हमारे इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं. सो प्रेजेंटिंग इंडियन कम्युनिटी पटाया गणेश चतुर्थी महोत्सव. सो क्या धूम रही पटाया में, लेट्स हैव अ लुक गाइस. दोस्तों, पटाया में एक बहुत ही बड़ा हिंदुस्तानी तबका रहता है जिन्होंने थाईलैंड के थाई कल्चर के साथ हिंदुस्तानी कल्चर को मर्ज करते हुए अपनी एक दुनिया बसाई है, और वो सभी लोग एक साथ इंडियन कम्युनिटी को पूरे वर्ल्ड वाइड पटाया में रिप्रेजेंट करते हैं और विदेशों में भी हिंदुस्तानी कल्चर को आज भी जीवंत रखे हुए हैं. आप सभी इन फोटो वीडियो इस ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं कि पटाया में भी इंडियन हिंदुस्तानी लोग किस तरह से अपने कल्चर और को मेंटेन किए हुए हैं और पूरे धूमधाम से मस्ती के साथ बैंड बाजों की धुन से नाचते गाते गणेश चतुर्थी का पर्व उत्सवी माहौल में मना रहे हैं. दोस्तों, आप सभी इस व्लॉग में देख रहे हैं पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से गणेश जी महाराज को उन्हीं लावो लवाजमो और श्रृंगार के साथ स्थापित करते हुए. महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. नमस्कार. परमात्मा को आत्मा की आवाज ही जगा सकती है. श्रद्धा वो शक्ति है जो कभी भक्तों को भगवान तक ले जाती है तो कभी स्वयं भगवान को भक्तों तक ले आती है. गणाधीश श्री गणेश इस धरती के कई स्थानों पर अलग अलग नामों के रूप में विराजमान है और उनका हर रूप साक्षी है कि जो तन और मन से उन पर न्योछावर हो जाते हैं, मंगल मूर्ति गणेश उनके जीवन में मंगल की वर्षा कर देते हैं. सो दोस्तों, आप देख सकते हैं पटाया में भी कितनी ही सुंदर साजो श्रृंगार से श्रृंगार धराया गया है गणेश जी की प्रतिमा को. पूरे धार्मिक अनुष्ठानों और धूप दीप ध्यान से गणेश जी के पूजन और पूरा धार्मिक माहौल आप देख रहे हैं पटाया में. जिस तरह से कहते हैं हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान के जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संस्कृति है जिसे लोग पूजते नहीं है, अपने जीवन के साथ जीते हैं. और चाहे हिंदुस्तानी कहीं भी रहे, वो अपने अंतरात्मा में वो अनुष्ठान और वो धर्म और कर्म लेकर जाता है, और ये उसका जीवंत उदाहरण आप देख रहे हैं. गणेश चतुर्थी पर्व में धार्मिक अनुष्ठानों, विधि विधान से पूजा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें सभी बच्चे और महिलाएं और सभी पुरुष शामिल होते हैं. तो अभी आप कुछ झलकियां देख रहे हैं बच्चों के नृत्य का, और बहुत ही मनोरम ये अपने आप में सामाजिकता को बांधे हुए है और हिंदुस्तानी सामाजिक सोसाइटी को बताते हुए अपने कस्टम कल्चर को पूरी तरह निभाते हैं. तो सारे बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ मनोरम तरीके से देते हुए. आप देख रहे हैं सभी पटाया व थाईलैंड के जो लोग हैं,
जो इस संस्कृति से प्यार करते हैं वे सभी यहाँ मौजूद हैं, और प्यारी सी गुड़िया जो डांस कर रही हैं उनके डांस को एंजॉय कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम स्थापना से लेकर विसर्जन के दिनों के बीच के हैं, जो हर रात को सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसा कि भारत में पंडाल होते हैं, वैसे ही यहाँ मंदिरों में बहुत ही छोटा और बहुत खूबसूरत सा ये पटाया का पंडाल आप देख रहे हैं, जो कि इंडियन कम्युनिटी के सारे लोग जो थाईलैंड पटाया में रहते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। सो चलते हैं कुछ जलकियों की ओर, और आगे हियर वी गो। सभी श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ चढ़ावा चढ़ाते हुए फल और पूजा अर्चना भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करते हुए बहुत ही धार्मिक माहौल में पटाया का ये गणेश महोत्सव सभी इंडियन कम्युनिटी व पूरे इंडिया के सभी पीपल जो दुनिया के कोने कोने में बसते हैं, पटाया इंडियन कम्युनिटी आप सभी को समर्पित करता है ये गणेश महोत्सव। श्री गणेश ज्ञान विद्या सुख और ऐश्वर्य के देवता हैं। कालचक्र के चार युग और सृष्टि के तीनों लोक उनकी साधना में निरंतर लीन रहते हैं। गणाधिपति के रूप में जहां श्री गणेश को ईश्वर के गणों का यानी संसार के सारे जीवों का भाग्य विधाता माना गया है, तो वहीं देवाधिपति के रूप में उन्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पिता जगदीश। दोस्तों आप देख रहे हैं सभी दिनों में अलग अलग संध्याएं तय की हुई होती हैं, जैसे कि सांस्कृतिक संध्या जिसमें बच्चों ने मनोरम प्रस्तुतियां दी, नृत्य प्रस्तुतियां, गायन प्रस्तुतियां, उसी के साथ दूसरे दिन आप देख रहे हैं सांस्कृतिक संध्या के बाद भजन संध्या हो रही है। भजन संध्या में लाइव बैंड आकर यहाँ पर भजनों का बहुत ही खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा बजाते हुए इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट और सिंगर्स हैं जो पूरी इस शाम को धार्मिक भजनों से। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। महा आरती का वक्त हो चला है। गणेश जी महाराज को इंडियन कम्युनिटी पटाया के सभी लोग महा आरती में शामिल होते हुए बारी बारी से आरती करते हैं। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। 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 बोलिए गणपति भगवान की जय। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि।
दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी जल के माल मुक्ता फलाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति जय देव जय देव जय देव फाइनली वक्त हो चुका है नाच गणेश जी महाराज को विसर्जित करने का क्योंकि इंडियन कम्युनिटी पटाया ने 2022 का गणेश महोत्सव 3 दिन का ऑर्गेनाइज किया था यानी कि भारत में जो धारणाएं हैं गणेश जी महोत्सव मनाने की कोई एक दिन के गणेश जी लेकर आता है यानी एक दिन करके दूसरे दिन विसर्जित होते हैं वैसे ही 3 दिन के गणेश जी 3.5 दिन कहलाते हैं यानी तीसरे दिन विसर्जित किया जाता है और वैसे ही 10 दिन के भी किए जाते हैं तो इस बार 3 दिनों के ये गणेश जी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से पटाया में मनाया गया तो हम अब विसर्जन की कुछ झलकियां देखने जा रहे हैं सो हियर वी गो गाइस ज्वलकांतिकांतम् विघ्नेश्वरम् सकलविघ्नहरम् नमामि गजाननम् भूतजलाधिसेवितम् अपेक्षितम् गोफलचारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ॐ गङ्गणपतये नमः ज्ञानार्थे पुष्पम् समर्पयामि नमस्करोमि ॐ गजाननाय नमः जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती
दोस्तों यहाँ मैं एक अहम बात बताने चाहूंगी। आप इस व्लॉग की जो फुटेज में देख रहे हैं, भारतीय झंडा यानी इंडियन फ्लैग, भारतीय भगवा रंग का झंडा जो भारत की संस्कृति में अहम रोल निभाता है, और उसी के साथ आप देख रहे हैं थाईलैंड का जो फ्लैग है वो भी एक छोटी सी बच्ची लेकर खड़ी है। यहाँ पर साफ मतलब है कि थाईलैंड और पटाया की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन कम्युनिटी को फुल ऑन सपोर्ट करती है, इंडिया के सभी कल्चर कस्टम को फॉलो करने के लिए सभी तरह की परमिशन है वहाँ पर कि आप हर तरह का त्योहार मना सकते हो, अपने रिलीजियस और अपने धर्म और कर्म को यहाँ कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि थाईलैंड का गवर्नमेंट फुल ऑन सपोर्ट करता है हमारी कंट्री को, और फुली दोनों ही कंट्री के लोग मिलकर वहाँ पर जीते हैं। चाहे हिंदुस्तानी लोग थाईलैंड कल्चर के भी जो अनुष्ठान है वो करते हैं, और उसी के साथ थाईलैंड पीपल भी बहुत ही खुश होकर वहाँ पर भारतीय जनता के साथ भारत की संस्कृति को जीते हैं। सो दोनों ही झंडे एक साथ, और आपने इंडियन कम्युनिटी पटाया का जो लोगो देखा है उसमें भी आप देखेंगे कि भारत के झंडे के कलर्स और थाईलैंड के कलर्स जो फ्लैग के हैं वो दोनों उन्होंने लोगो में दिए हैं। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है कि ये बहुत ही प्यार से मर्ज किया हुआ एक संस्कृति है, जब दो देश आपस में प्यार से कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग ब्लेस अस कि गॉड ने हमें इतना अच्छा माहौल दिया है। सो थैंक यू सो मच थाईलैंड गवर्नमेंट फॉर सपोर्टिंग अस। सो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सभी लोग इकट्ठा होकर एक रैली के रूप में गणेश जी को बैंड बाजों के साथ लेकर पहुंच गए हैं पटाया बीच पर, जहां पर ये बीच में बोट के अंदर जाएंगे और पानी के बीचों बीच बहुत ही गहरे समुन्द्र में गणेश जी को विसर्जित किया जाएगा। सो बैंड बाजों की धुन पर सभी लोग नाचते थिरकते हुए गणेश जी महाराज को लेकर जा रहे हैं विसर्जन के लिए पटाया बीच की ओर। सो ये झलकियां आप देख रहे हैं पटाया बीच की है, जो एक बहुत ही फेमस प्लेस है पटाया में, जहां पर लोग टूरिज्म प्लेस है ये, और लोग यहां पर घूमने आते हैं, और जो भी जो सी की एक्टिविटीज एडवेंचर एक्टिविटीज वो इसी बीच से आइलैंड्स पे होती है। सो कोरल आइलैंड्स एंड ऑल। सो पटाया बीच एक बहुत ही पिक डेस्टिनेशन है पटाया की, जो बहुत ही अच्छी टूरिज्म प्लेस भी है। सो यहीं पर गणेश जी महाराज का भी विसर्जन होने जा रहा है। सो चलते हैं कुछ झलकियों के साथ और आगे।
So guys, thank you so much for listening us, watching us on behalf of Indian Community Pataya. So Indian Community Pataya, aur bhi aap logo ke liye bahut sare different vlogs lekar aane wala hai. So bane rahe Indian Community Pataya ke saath. Thank you.